नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न एस्का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं कुमार जितेंद्र। नाबाम तुकी के नए मंत्रिमंडल में 5 के नाम तय, पूर्व मंत्रियों को भी दिया गया है मौका। In what can be termed as a suspense breaker, the ministerial bird of 5 legislators has come out as per the source. The 5 minister who has been given the ministerial berth are Tanga Bialing, who is a former power minister, Tapang Talo, who is a former minister of industry and textile, Kumar Bai, who is a former RWD minister, Gojan Gadi, who is a former planning minister, and Pema Khandu, who is a former tourism minister. The result of the other legislators who are yet to get the ministerial berth has to come out yet, with the oath-taking ceremony which is being waited by the people of Arunachal Pradesh to take place very soon. With camera person Hitesh Morang, this is Karpuji C reporting for Eastern Sky Media, Itanagar. अरुणाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता कामेंग दोलो ने प्रोटोम अध्यक्ष के रूप में ली शपथ। ईटानगर के राजभवन में हुआ शपथ समारोह। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने ईटानगर के राजभवन में कामेंग दोलो को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री नाबम तुकी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष वांगलिंग लोआंगडोंग और कई विधायकों ने शपथ समारोह में हिस्सा लिया। प्रोटेम दोलो तब तक पदभार संभालेंगे जब तक विधानसभा द्वारा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता। सर, फ्रॉम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टू नाउ प्रोटेम स्पीकर, रोल चेंज हुआ है, लेकिन आपका कुछ उसमें थॉट्स या आपका थिंकिंग कुछ चेंज होगा क्या? आई डोंट नो दैट, तो अब तो सेम सब, हम चेंज का कुछ है ये नहीं है। लाइक यू आर आस्किंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, हम चेंज नहीं, सेम सब को जो वो हिज अथॉरिटी ना पेरोगे तब वो किसको क्या देना है वो जानेगा। ही इज द ऑल एंड ऑल अथॉरिटी। When the state of Arunachal Pradesh is eagerly waiting for the portfolio distribution of the legislators, oath-taking ceremony of former Deputy Chief Minister Kamming Dolo into a pro tem speaker turned out to be a page open from the long list of Congress plan book. Kamming Dolo is also one amongst the 11 uncontested candidates who got elected during the last election. For the remaining portfolios, it seems that the state still has to wait for. With camera person Hitesh Morang, this is Karpuchi C reporting for Eastern Sky Media, Itanagar. उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के बदायूं गैंगरेप और मर्डर केस में अखिलेश यादव पर राहुल गांधी का तीखा प्रहार। राहुल गांधी ने कहा सीबीआई से होनी चाहिए इसकी जांच। पीड़ित परिवार से मिलने बदायूं पहुंचे थे राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो दलित बहनों के गैंगरेप और मर्डर केस में चौतरफा गिरने के बाद अखिलेश सरकार इस वारदात की सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पीड़ित परिवार को हमारी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है तो प्रदेश सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बदायूं में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि वो इस बात से सहमत है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मुआवजे की बात पर कहा कि महिला की इज्जत की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वहीं ईटानगर से भी एक खबर आ रही है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कहा गया है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी परिसर में शरारती तत्वों का उपद्रव जारी है और इन लोगों के द्वारा अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है। ईटानगर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने 2012 से लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में पॉलिटेक्निक कॉलेज छात्र संघ के महासचिव नाबम इसाक रिकाम ने बताया कि कुछ शरारती तत्व परिसर में बांस पौधारोपण और चावल की खेती कर रहे हैं। साथ ही लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी छात्र संघ के महासचिव ने चिंता जताई। इंजीनियर कॉलेज है, उसको मतलब जमीन मतलब दोनित करने का जगह में उसका इनसे मतलब जमीन दोने जगह में उल्टा वो करते हैं। पब्लिक लोग वॉल को तोड़ के घर बनाए जा रहे हैं, थ्री पास हो रहे हैं, बीएन का आयरवेन लोग जाते हैं, रास्ता को वॉल का तोड़ के जाते हैं। उसको हम लोग रितिन लिख के भी दिया, मुझसे भी बुला यहाँ से मत जाओ, फिर मना नहीं है। फिर उसमें वॉलीबॉल पील फुटबॉल पील में उसमें भी जाते हैं पब्लिक लोग, इतना लोड करके ट्रक गाड़ी जाते हैं, क्योंकि एज टेक्निकल स्टूडेंट को जस्ट एटमोसफियर ठीक होना चाहिए। नाबम आइसक रिकम, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ के स्टूडेंट यूनियन के जीएस, और इनका कहना है कि इन लोगों के रिपीटेडली
अपील करने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपसू हो गया है, उसके बाद ये आपत्सू हो गया, इन लोगों को अपील करने के बाद, बार बार अपील करने के बाद भी नहीं सुना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, ईटानगर। ईटानगर क्षेत्रीय कार्यालय के नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने स्कूलों में वितरित किए कंप्यूटर और खेल आइटम्स। ईटानगर में एनएचपीसी के क्षेत्रीय कार्यालय ने होली क्रॉस माध्यमिक स्कूल और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए कार्यालय में सतत विकास योजना के तहत कंप्यूटर, लैपटॉप और खेल आइटम वितरित किए। इस अवसर पर डीसी मिगे कामकी ने स्कूल प्रबंधन एनएचपीसी के प्रयास की सराहना की और कार्यकारी निदेशक और उनकी टीम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। वहीं पे क्राइम की एक खबर ईटानगर से आ रही है कि ईटानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है एक जालसाज को, फर्जी दस्तावेजों के साथ सप्लाई करता था दवाई को। ईटानगर पुलिस ने असम के विनोद शर्मा को जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि विनोद फर्जी दस्तावेजों के जरिए दवाइयां सप्लाई करता था, साथ ही वो फर्जी मोहरों के जरिए मेडिकल बिल भी तैयार करता था। पुलिस ने विनोद के पास से 26 नकली मोहरे बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश के एक डांस ग्रुप बी बॉयज ने किया डांस शो का आयोजन। प्रदेश में डांस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था यह आयोजन। आयोजन का मुख्य उद्देश्य था धनराशि को इकट्ठा करना। अरुणाचल प्रदेश में डांस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बी बॉयज ने एक नई पहल शुरू की है। बी बॉयज एक डांस का ग्रुप है जो राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए ये ग्रुप डांस शो का आयोजन करके धनराशि भी इकट्ठा करता है। बी बॉयज ग्रुप कोलकाता ऑडिशन के माध्यम से एक राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद कर रहा है। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।